सभी भाइयों की कलाइयां सुनी रहती, किसी की राखी नहीं बनती। अब शकुन का ही डर लगता है या अपना मन ही नहीं करता। हम अपने भाई को भी मतलब बांधते नहीं है। ये परंपरा पहले से ही चलती आ रही है, जब से हमारा तो जन्म भी नहीं था, जब से ही राखी नहीं बनती आ रही, आज भी नहीं बनता। कुछ ने मनाई नहीं बिचाई तो उनके साथ अब सुकून हो गया। रक्षाबंधन यानी राखी केवल एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार ही नहीं है, बल्कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। इस त्यौहार का सभी भाई बहन बेसब्री से इंतजार करते हैं। पर भारत का एक गाँव ऐसा भी है जहाँ रक्षाबंधन के दिन मायूसी छा जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गांव सुराना में राखी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, जबकि इस गांव में हिंदू बहुसंख्यक है। आखिर क्यों इस दिन भाइयों की कलाइयां सुनी रहती है, क्यों बहनें इस दिन का मातम मनाती है? इस गांव के सभी भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन नहीं देते। जब बाकी देश की बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वह लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तब इस सुराना गांव की बहनें आंसू बहाती है। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था, लेकिन सुराना की बहनों ने मोहम्मद गौरी द्वारा सभी भाइयों को मार देने के बाद राखी के त्यौहार का परित्याग कर दिया था। जी ऐसा है, इस गांव का नाम पहले सोहनगढ़ था। ये सोहनगढ़ था तो मोहम्मद गौरी ने इस पूरे गाँव को पूरा खत्म कर दिया था, हाथों की दाव चला दी थी पूरे गाँव पे। तो एक औरत जो अपने पिहर जा रही थी वो गर्भवती थी, उसके दो पुत्र हुए, वो नदी पार करके आई और उसी गांव उसकी से ये पूरा गांव बसा हुआ है, छबड़े में रख कर लाई थी। और इसीलिए उसका गांव में ज़्यादातर यादवों का गोत्र छबड़िया गोत्र है, इसलिए रक्षाबंधन नहीं मनाते। सुराना में राखी ना मनाने के पीछे मान्यता ये है कि 12वीं सदी में राखी के त्यौहार के दिन ही तुर्क लुटेरा मोहम्मद गौरी ने इस गांव पर हमला कर एक महिला और उसके दो बेटे को छोड़कर सभी निवासियों को मार डाला था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने इस नरसंहार में बच्चों को भी नहीं बख्शा था। यह विभीषिका आने वाली पीढ़ियों की यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। चूंकि नरसंहार रक्षाबंधन के दिन ही हुआ था, इसलिए यहां आज भी यह त्यौहार नहीं मनाया जाता है। उस घटना को लोग यहां एक अभिशाप के रूप में देखने लगे। एक मान्यता ये भी है कि यदि कोई यह त्यौहार मनाने की कोशिश करता है तो अपंग हो जाता है। हालांकि इस घटना का कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। आज भी नहीं बनता, कुछ ने मनाई नहीं बिचाई तो उनके साथ अब सुकून हो गया, तो इसलिए कोई छबड़िया गोत्र के ही नहीं मनाते, और बाकी मनाते हैं, लेकिन छबड़िया गोत्र के कोई रक्षाबंधन नहीं मनाता। खास रक्षाबंधन दिन वाले प्रवासी वाले दिन जो चार वीर यहाँ की रक्षा करते थे, चार जो मतलब रक्षा करते थे, उनको उसी दिन खास रक्षाबंधन के दिन ही मार दिया था मोहम्मद गौरी ने। सभी भाइयों की कलाइयाँ सुनी रहती है, किसी की राखी नहीं बनती है, कोई बहन आती है न जाती है, अपना सब ऐसे ही रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छबड़िया गोत्र की एक महिला ही बच गई, क्योंकि वह गांव में मौजूद नहीं थी। बाद में उसके बेटे लाखन और चूड़ा लौट आए और गांव को फिर से बसाया। आज भी इस गांव की आबादी में 50% छबड़िया ही है। हमारे जो पूर्वज थे उन पे आक्रमण कर दिया था उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने आके, और सब बच्चे सब यहाँ पे मतलब खेड़े पे एक भी आदमी नहीं रहा था। एक लेडीज थी जो अपने मायके गई हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसी के ही सब ये जो है छबड़िया जो हमारा गोत है तो उसी के ही है। आपने कोशिश भी नहीं की कि अपने भाई को रात नहीं एक करीबन 10-15 साल की बात होगी, एक लड़का हुआ था रक्षाबंधन को, तो जैसे हमारे पास वाले मोहल्ले में तो कहने लगे कि भाई चलो अब रक्षाबंधन को लड़का हुआ है तो भाई राखी बांध दो, उस लड़के को राखी बांध दी तो वो लड़का बीमार हो गया। यहाँ पर एक घुमेश्वर महादेव मंदिर भी है जो काफी प्राचीन महादेव मंदिर है। यहाँ मौजूद शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। सावन के वक्त यहाँ पर विशेष भीड़ देखने को मिलती है। उनमें इनका 11वां स्थान है, स्वयं भू है, बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। हालांकि पुराने किसी भी अप्रिय घटना को लेकर वर्तमान में त्यौहार ना मनाने का जिक्र ना ही किसी धर्म ग्रंथ में है और ना ही शास्त्रों में है, लेकिन गांव के युवाओं का कहना है कि यह हमारे गांव की परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने जो फैसला लिया था हम आज भी उसी पर अड़िग है और अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं।
उन्होंने जो भी परंपरा डाली है हम उसका निर्वाह करते रहेंगे। इसी वजह से गाजियाबाद के सुराना गांव में आज भी रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है और भाइयों की कलाई इस गांव में सुनी ही रह जाती है।